हेलो नमस्कार जी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा मौसम विभाग चंडीगढ़ से। जी हाँ, आज डूबेगा आधे से ज़्यादा हरियाणा। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ, भयंकर जो तूफान है वो एंट्री कर चुका है हरियाणा में। भाई किन किन जिलों को खतरा बताया गया है आने वाले 2 घंटे के बाद, कहाँ कहाँ बाढ़ व तेज बारिश तूफान आने की आशंका जताई है। देखिएगा इस वीडियो के अंत तक, अपना जिला जरूर बताइएगा किस जिले से वीडियो देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आज 19 जून हो चुकी है, 19 और 20 जून को इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। जी आपको मैं बता दूं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। वहीं दक्षिण हरियाणा में इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवाएं चलेंगी, पेड़ व खंभे टूटने की आशंका है। तेज़ बारिश से काफ़ी सारे इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। जी हाँ, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में भी तेज रफ्तार से तूफान व बारिश आने की आशंका जताई है। आपको मैं बता दूं, ये जो आशंका है ये तकरीबन 2 दिन तक रहेगी। बिजली विभाग ने भी अपना अलर्ट कबूल किया है और आपको मैं बता दूं, राजस्थान में बिजली गुल थी क्योंकि लगातार 3 दिन से राजस्थान में बिपरजॉय तूफान था, वो अपना कहर बरपा रहा था। अब हरियाणा में बिपरजॉय तूफान की एंट्री हो चुकी है। अब दक्षिण हरियाणा से उत्तर हरियाणा बिजली विभाग निगम ने भी अपनी कमर कस ली है, बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। भाई वहीं बिजली समय समय पर कट भी लगा सकती है।